महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, लॉर्ड कृष्णा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। नमस्कार, सभी का स्वागत है। गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन आज बहेरी दरभंगा जिला के बहेरा सड़क पर हुआ है। आपको बता दें, नियर कर्पूरी चौक के पास यहां पर सभी लोग मौजूद हैं और यहां पर सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया है। देख सकते हैं जो SI हैं बहेरी पर, यहां पर बहेरी थाना के, वो सभी मौजूद हैं। डॉक्टर DMCH के मौजूद हैं और सभी लोग मौजूद हैं, खासकर जो ANM की छात्रा हैं, JNM की छात्रा हैं, वो सभी मौजूद हैं। यहाँ पर जो नर्स हैं वो भी मौजूद हैं। विशेष कवरेज देख सकते हैं, सभी लोग आज काफ़ी उत्साह हैं, यहाँ पर उत्साह के साथ विशेष कवरेज देख रहे हैं। भारत उदय समाचार पर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कैसे दीप प्रज्वलित के समय सभी जो यहाँ पर छात्राएं हैं यहाँ पर काफ़ी खुशी महसूस कर रही हैं। इंटरव्यू सुनाएंगे और विशेष कवरेज दिखाएंगे आपको शशिनाथ झा। मीडिया कर्मी जो है सो जिसके फेवर में चले जाते हैं उन्हीं को जो है सो सपोर्ट में आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मीडिया ना हो तो पूरे विश्व में मानव जो है वह आपको पशु के समान है। अब जो मेरा उद्देश्य है, गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि हमारे ट्रस्ट के अंदर में है, लॉर्ड कृष्णा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके अंदर में हमारा नर्सिंग कॉलेजेज भी है जिसमें सभी प्रोग्राम हैं ANM, GNM, BSc। इसमें मेरा उद्देश्य यही है कि आज कोरोना जैसे समय में पूरे विश्व हिल चुका है, जिसमें हमारा आर्थिक स्थिति भी जो है विश्व स्तर पर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, लेकिन इसमें हमारे भारत सरकार एवं राज्य सरकार एवं मीडिया कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी एवं आपको जो है पुलिस कर्मी, यह जो अपना रोल दिए हैं, अपना योगदान दिए हैं, यह सेवा भावना है। हाँ, ये बात रियलिटी है जो मीडिया को बदनाम किया जाता है, लेकिन मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि अगर वो कोई न्यूज को, सच्चाई को सामने लाता है तो उनके परिवार के ऊपर, उनके ऊपर क्रिमिनलों का पॉलिटिकली दबाव दिया जाता है। और हम सरकार, भारत सरकार से यह अनुरोध करूंगा, राज्य सरकार से, जो मीडिया कर्मियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको अधिकार दिया जाए, क्योंकि उनके अधिकार को भी वंचित किया जाता है। जी जी, मेरा सर सबसे पहले जो यह संस्था का उद्देश्य है कि हम एक ऐसा स्वास्थ्य कर्मी तैयार करें, प्रशिक्षु तैयार करें, जो कि हमारे राज्य का जो WHO स्तर पे जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन जो है सो हमारा बहुत नीचे है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो प्रोटोकॉल है वो बिहार स्तर पे बहुत पिछड़ा है। इसमें तब होगा जब हम इसमें अपना भावना जो मेरा होगा वो सेवना भावना, अगर हम इसमें मनी मेकिंग करेंगे तो इसमें सफलता नहीं होगा। देखिए, हॉस्पिटल तो बहुत है, एक पर एक है, कॉरपोरेट सेक्टर का है जो अपना वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन मेरा सेवा देने का उद्देश्य है जो सबसे ग्रामीण क्षेत्र। अगर हम चाहते तो हम हाई सिटी को भी एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन हाई सिटी ना करके एक हम ग्रामीण एरिया को एक्सेप्ट किए हैं, जो यहाँ हर डॉक्टर या हर नर्सेज का इच्छा होता है जो हम माइक्रो सिटी जाए। लेकिन हमारे जो गाँव की आबादी है उस पर हमारे भारत सरकार WHO का नज़र है कि हमारे गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। इसीलिए हम एक अपना प्रशिक्षु तैयार करके, अपना ब्रांड तैयार करके चाहते हैं, जो वह बच्चा एक केरला की, देखिए जैसे कि केरला का नर्सेज है, उसमें क्या है, वो भी तो इंसान है, लेकिन उसमें आपको जो है एक सेवा भावना है। सेवा भावना पैसे से नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों से मुझे और इस राज्य स्तर पर, विश्व स्तर पर यही कहना है, जो स्वास्थ्य कर्मी जो होते हैं उनको सेवा भावना से आना होगा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का शिविर का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्र के पीछे शिविर का यही मेरा कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र से ही शोषण होता है। शोषण का मतलब मेरा ये नहीं है शोषण हम साबित कर दे जो क्या होता है, उसका ये है जो मान लीजिए वो ट्रेवल एरिया से ट्रेवलिंग करके फिर वो 30 किलोमीटर जाएंगे, दूरी हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को अटैक आ गया, जब तक वो शहर पहुँचेंगे तब तक वो अपना दम तोड़ देंगे। तो उसमें हमारा ये है जो हम एक सेंटर पॉइंट बनाए हैं, डिस्टेंस को मेंटेन किए हैं और सारी सुविधा देने की मेरा जो है सो अपना एक मोटिवेशन है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा, वो मेरे लिए चैलेंज है
क्योंकि ग्रामीण एरिया में आपको जो हमको बहुत ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स को या हम आपको जो मेरा सिस्टम को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन मेंटेन करना है, जो भी इससे रिलेटिव बातें हैं उसमें मुझे कठिनाई हो रही है। लेकिन अगर इसमें मीडियाकर्मी, समाज, कम्युनिटी, समुदाय का सहयोग हो तो हम ग्रामीण परिवेश को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं। और मेरा एक लक्ष्य है जो कि मिडवाइफरी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन परसेंटेज ऑफ संख्या सीजरियन ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा पहला उद्देश्य है कि मेरा नर्स केयर ज़्यादा हो, प्रोसेस जो हो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल के लिए वेट किया जाए। इसके लिए हमें नर्सिंग बैकअप बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स अगर उसको सीजरियन कर भी देता है तो उसको 24 घंटा की जो मॉनिटरिंग है वो नहीं हो पाता। तो हमारा उद्देश्य है जो हमारे संस्था से जो बच्चा निकले वह आपको उस चीज़ को कम्युनिटी एरिया में, सामुदायिक एरिया में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना सुविधा प्रदान करें। और हमारा अपना एक टारगेट और लक्ष्य रखा गया है ट्रस्ट के तरफ से, जो 20 सीजरियन हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। उसका जितने भी कॉस्टिंग होगा, चाहे मेडिसिन का, एडमिट का, इसके बाद आपको उसका जो है सो विजिटिंग का, मतलब ऑल जितने भी उस पर चार्जिंग है, डॉक्टर विजिटिंग, डॉक्टर चार्जिंग, वो जीरो बैलेंस में किया जाएगा। एवं अगर उस डिलीवरी के दरमियान अगर मतलब आपको महिला डिलीवरी के दरमियान में अगर मान लीजिए लड़की पैदा होती है, तो हमारे समाज में है जो लड़का लड़की में अभी भी अंतर पाया जाता है, लेकिन उसको प्रोत्साहन के लिए 6,000 रुपया हम आपको बच्चे के नाम से आपको संस्था डोनेट करेगी। लेकिन चेक भी हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चेक क्लियरेंस में टाइमिंग होता है। हम हैंड कैश दे रहे हैं एक प्रोत्साहन के रूप में, जो कि भ्रूण हत्या पे ब्रेक लग सकता है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर शशिनाथ। सहायता पहुंचाना ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो है जनकल्याण की भावना से, उपकार की भावना से सहायता पहुंचानी चाहिए, होनी चाहिए। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के लोग उतने जानकार नहीं होते हैं, और उनको जो है सो यदि नज़दीक कुछ जानकारी मिल जाए सही ढंग से, और वो समझ जाए कि ये सरकार ने जो परियोजना सब सरकार चलाती है, बहुत से लोग जानते ही भी नहीं है, उसको जनाया जाए, उससे विज्ञ किया जाए और करके तब जो है सो जनमानस में उसका जो है सो प्रचार किया जाए, तो उपकार होगा। जो काम दिखावा का होता है वो न होकर के वो कुछ करने का आपसे किया जाए, बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण क्षेत्र में ही कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि भारत सबल बन सके। ऊपर तो बाहर में तो लोग जहाँ हैं वहाँ तो आगे है ही, यहीं पीछे अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करते हैं। इसलिए इन लोगों को जगाना, समझाना, बुझाना, अब जीवन के मूल्य को बताना आवश्यक है। इसलिए इस तरह का जो आयोजन, इस तरह का जो है सो संस्थान अवश्य खुलना चाहिए, पूर्व में खुलना चाहिए, अब खुलने लगा है, ये अच्छी बात है। क्या नाम हो गया सर? डॉक्टर शंभुकांत झा। थैंक यू सर। आप लोग पारिवारिक भी जाए और डॉक्टर साहब से चिकित्सीय परामर्श लें। बैग से चले जाइए ना, बैग से संपूर्ण
और वो अपना मिथिला का एक कल्चर है जो हमारी संस्कृति है उसके द्वारा।